अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ डिफरेंट लोकेशन पे, मलीर रिवर ब्रिज पे, जो कि ये जो ब्रिज है ML1 का पहला ब्रिज है ये। आज मैं आपको यहाँ की ट्रेन पासिंग दिखाऊंगा, अच्छा व्यू दिखाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज का जो यहाँ पे अप एंड डाउन की जो ट्रेन जाएंगी वो मैं आपको इस मली रिवर ब्रिज से मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेरे साथ ही रहना दोस्तों आपने। आज हम आए तो यहाँ पे सिग्नल की वर्किंग भी चल रही है, जो मेंटेनेंस चल रही है सिग्नल की, आज काम भी चल रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का, 41 तो गुजर गई है और लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। और डाउन पे आ रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, तकरीबन 2 घंटा लेट है आज। इस तरफ है लांडी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे इसके पीछे है अपना डाउन साइड पे मलीर रेलवे स्टेशन। मलीर स्टेशन से निकलने के बाद ये मलीर रिवर ब्रिज आता है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा ये डाउन लाइन है, वो अप लाइन है। और नीचे भी वर्किंग चल रही है, नीचे वर्किंग रेलवे से रिलेटेड तो नहीं है, बट आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है खेतों की। आगे नाला है, उससे आगे लांडी का एरिया है और वो सामने मलीर एक्सप्रेसवे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये जो मलीर रेलवे ब्रिज है ये किमाड़ी से यहाँ तक का जो इसका किलोमीटर है वो 27 किलोमीटर है। 27 किलोमीटर पे ये मलीर ब्रिज वाकया है और इसकी जो बिल्डिंग है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। बहरहाल आप ये चेक करें कि यहाँ पे भी न्यू स्लीपर रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे भी रिप्लेस होंगे जहाँ पे इनको टूटे फूटे स्लीपर नज़र आएंगे, बट यहाँ के जो ट्रैक की हालत है कदरे बेहतर है। तो देखते हैं ये कब चेंज करेंगे जहाँ इनको नीड होगी। तो अभी आपको मैं इसकी बिल्डिंग दिखाऊंगा मलीर ब्रिज की, जो कि आपको नज़र आ रही होगी बहुत खस्ता हाल में, टूटी फूटी है और साथ में वो काम भी चल रहा है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का। अच्छा ये जो बिल्डिंग है ये पुलिस चौकी की बिल्डिंग है, आपको नज़र आ रहा होगा पुलिस चौकी मलीर पुल, तो ये पुलिस चौकी की बिल्डिंग है। तो यहाँ कोई पुलिस वाला भी मौजूद नहीं है और बिल्डिंग की हालत देख लें आप, तबाह हुई भी है। देख सकते हैं आप ये अभी सामने से आ रही है दोस्तों 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, पिशावर से निकल गए कराची पहुंच रही है, अभी मलीर रेलवे ब्रिज से क्रॉस हो गई है। ये आ रही जनाब 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, GMU लीड कर रहा है इसको। जबरदस्त दोस्तों, ये सामने से आ रही है 149 अप मेहरान एक्सप्रेस, GMU लीड कर रहा है इसको, मीरपुर घास की ट्रेन है।
ये अभी आ रही है सामने से 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस लीड कर रहा है इसको ZQ30। वो सामने देखें ट्रैक पे इनकी वजह से 6301 जबरदस्त। और दोस्तों ड्राइवर साहब ने हमें सैल्यूट भी मारा, तो इनकी एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया ड्राइवर साहब आपका। अच्छा दोस्तों रेलवे इंजीनियर्स यहाँ जो वर्किंग कर रहे थे उनसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2-3 की मैन जो थे वो हादसे का शिकार हो गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों रेलवे की इंतजामिया की लापरवाही है कि यहाँ पे ना बाउंड्री नहीं डाली हुई, यानी कि छत नहीं डाली हुई इसकी जो पर चलने के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पे की मैन जो कि हादसे का शिकार हो गए थे गिर गए थे। तो ये अच्छा नहीं है, इंतजामियों को चाहिए कि यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल्स लगाएं यहाँ पे अप और डाउन पे दोनों साइड। और जो हालत है वो भी बेहतर नहीं है, नीचे जो इसकी हैं वो भी कच्चे हैं, वो आपको मैं भी दिखाता हूँ। तो ये है कि दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी का कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे की मैन जो गैंग मैन वगैरह वर्किंग करते हैं उनके लिए कोई यहाँ पे सेफ्टी का बंदोबस्त नहीं है, ये चेक करें आप। अच्छा ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता, तो ये इस पुल की हालत देखें, खस्ता हाली का शिकार है अभी, मतलब कि नीचे से इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई हुई है। ऊपर से तो बिल्कुल सही है, बस ग्रिल्स वगैरह लगानी है, लेकिन ये नीचे से ना इसकी मेरे ख्याल से आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं हुई, जैसे अंग्रेज छोड़ के गया है। तो ये मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ व्यू झाड़ियों को ये क्रॉस करते हुए। जी जनाब मैं पहुंच गया हूं, ये रास्ता क्रॉस करके झाड़ियों को, तो ये हालत है इसकी, क्रैक पड़े में वो देखें आप, ये क्रैक हुआ है। तो ये किसी बड़े हादसे का सबब ना बन जाए ये क्रैक, उम्मीद है कि रेलवे इंतज़ामिया इसको जल्द इसकी मेंटेनेंस करेगी। ये देखें अभी ये देखिए क्रैक पड़ा हुआ है, आगे भी कई पिलर्स पे क्रैक आ चुके हैं इन पिलर्स पे। तो ये नीचे का मैंने आपको मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ, चेक करें आप। ये देखें दोस्तों इसका हाल पिलर का आपको नजर आ रहा है। ठीक हालत नहीं है इस पिलर की। मैंने आपको दोस्तों ऊपर से ट्रेन एक्शन दिखाया रेलवे पुल के ऊपर से, अभी ये नीचे से 17 अब मिलत एक्सप्रेस का एक्शन दिखाऊंगा मलीर ब्रिज के नीचे से। 17 अब मिलत एक्सप्रेस डिग रोड से निकल चुकी है तो उसका इंतजार है। बाकी खूबसूरती चेक करें, खूबसूरती तो है बट ये सारी क्या है, इनक्रोचमेंट है, ये सारी रेलवे की जमीन है। तो यहाँ पे खेत वेत उगे हुए हैं। खैर हम इंतजार कर रहे हैं 17 मिलत एक्सप्रेस का। ये आ रही है दोस्तों सामने से GU40 लेकर 17 मिलत एक्सप्रेस।
जबरदस्त एक्शन। और आज का हमारा मलीर रेलवे ब्रिज का व्लॉग आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए ट्रेन वाली सरकार को। ट्रेन वाली सरकार ने आज आपको ये ब्रिज दिखाया, इसके एक्शन दिखाया ब्रिज पे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।